अभी ये सिर्फ आधा ही यूज किया, जैसे कि आप देख सकते हैं फोम की एक लेयर बन गई है। इससे आग दोबारा नहीं लग सकती, इस फोम ने आपको ऑक्सीजन से कट ऑफ कर दिया है कंप्लीटली। ये फोम ऑयल के ऊपर भी बनेगी, लकड़ी के ऊपर भी बन सकती है, कपड़े पे भी बन सकती है, ए बी और सी किसी भी क्लास ऑफ फायर के ऊपर ये काम करेगा। दिस इज द लेटेस्ट इन्वेंशन फ्रॉम कैंसी टेक्नोविजन। इट इज फायर 1-on-1 पर्सनल फायर एक्सटिंक्शन। आपने इस तरह के कैंस काफी देखे हुए मार्केट के अंदर, वो सभी कैंस टिन के बनते हैं, उनकी थिकनेस 0.3 माइक्रॉन 0.5 माइक्रॉन रहती है, जोर से दवाएं पिचक भी सकते हैं, ज्यादा प्रेशर हो तो फट भी सकते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो कि सेफ हो और जिसकी शेल्फ लाइफ 5 ईयर्स हो, 5 ईयर्स तक प्रेशर मेंटेन रहे और 5 साल तक वो आराम से जब भी जरूरत पड़े काम कर सके। तो हमने इस प्रोडक्ट को MS स्टील में बनाया है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो इसकी थिकनेस नॉर्मल टिन से बहुत ज्यादा हाई है। ये एक नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर जिस मेटल बॉडी का बनता है उसी मेटल बॉडी का है, इसकी स्पेशल डाई बनी है। और इसकी अगर आप कैप देखें, नोजल देखें, ये बहुत सिंपल टू ऑपरेट है, जस्ट लाइक हिट स्प्रे और एनी स्प्रे कैन। बट इट इज नॉट ए कैन, इट इज ए सिलेंडर बॉडी विद ए स्प्रे कैप। चूंकि ये मेटल बॉडी है, इसको आप इलेक्ट्रिक फायर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फायर पर इसको इस्तेमाल नहीं करना, इलेक्ट्रिक पैनल्स पर इस्तेमाल नहीं करना, उसको छोड़कर किसी भी और किस्म की फायर हो उस पे इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है बहुत सिंपल मैंने आपको दिखाया। और अभी जितनी आज तो बुझाया है इसमें सिर्फ हाफ ही यूज हुआ है, बाकी हाफ बचा हुआ है। हम लोग काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो कि मास स्केल के ऊपर बिक सके और घर घर में इस्तेमाल हो सके। तो बहुत से प्रोडक्ट्स को हमने रिसर्च किया, डेवलप करने की कोशिश की, फिर उसके बाद आज I'm proudly announcing that we have completed our research and prototype is here. You can see this prototype. ये prototype जो है हमने testing करी है, ये foam based है, A, B और C तीनों class की fire के ऊपर effectively काम कर सकता है। Fire extinguisher आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे गाड़ी में लगा सकते हैं, आप इसे अपने साथ रख सकते हैं, अपने office के door में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। छोटी से medium scale की आग बुझाने के लिए ये सक्षम है। हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कैंसी टेक्नोविजन में कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की, ये लॉन्च करने की, जो कि इजी टू ऑपरेट हो एंड इजी टू परचेज हो, सस्ता और आसान तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा कैप है और ये MS स्टील बॉडी है जो आज इस साइज के 500 ml के या 600 ml के कैंस मार्केट में मिलते हैं। 300-400 रुपए में कैन मिलता है, चाइनीज प्रोडक्ट है, फल की टिन बॉडी रहती है, पिचकाओ पिचक सकता है, 1 साल से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं रहती, उसमें प्रेशर लीक कर जाता है। क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये जो ब्रास का वॉल्व आप देख रहे हैं, इतना हैवी ब्रास का वॉल्व वो टिन के ऊपर लग ही नहीं सकता। इस कारण से वो टिन वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं वो गाड़ियों में आपने देखे होंगे या कहीं और मार्केट में बिकते हुए देखे होंगे, वो सब इतने इफेक्टिव नहीं है। ये MS स्टील बॉडी है, ये उतनी थिक बॉडी है जितनी थिक बॉडी एक नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर की होती है, 2 किलो या 4 किलो, ताकि इसके अंदर जो प्रेशर एक बार हम भरे वो मेंटेन रहे, इस ब्रास वॉल्व की वजह से वो प्रेशर कभी लीक ना हो। ये 5 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इसमें, बच्चों को सिर्फ दिखाना है। हर घर के अंदर एयर फ्रेशनर इस्तेमाल होता है आजकल, तो जब से कोरोना हुआ है हर घर के अंदर वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के कैंस आ गए हैं इस्तेमाल होने वाले, बस उसी तरह के कैंस में एक कैन और जोड़ दीजिए, आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी ले आइए, ताकि घर पे आपको या गाड़ी में आपको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना हो।